हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट में दो एग्जाम्पल कर लिए थे, एक एग्जाम्पल वन करा था और एग्जाम्पल टू करा था। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब चीज, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उनको बार बार कर करके देखिए, आपको क्लियर होगा। जो बच्चे लापरवाही दिखा रहे हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस थोड़ा समझ जाओ। अब देखिए एग्जाम्पल थ्री क्या कहता है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कुछ फिगर में इस तरीके से हमें गिवन है, जैसा कि फिगर गिवन है ऑलरेडी, मैं फिगर बना रहा हूँ आपको, समझ में आएगा आपको तो ज्यादा अच्छे से। पी क्यू इज अ कॉर्ड, दिस इज पी क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक आएंगे इसके, तो ध्यान से सुनना। 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दिस इज ओ, तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो गिवन है हमें वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू फ्रॉम पॉइंट टी, ये एक पॉइंट है टी, उस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया है पी, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया है एक क्यू। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट टी, ओके, फाइंड द लेंथ टी पी, सो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ, लेट दिस लेंथ बी एक्स, सो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ दैट इज टी पी। क्वेश्चन समझ में आया। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और उस सर्कल का सेंटर ओ है, तो पी क्यू उसका क्या है, कॉर्ड है, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट है, और जब ये दो टेंजेंट है तो दो टेंजेंट होने के बाद हम लोगों को जो फाइंड करना है वो लेंथ फाइंड करनी है टी पी। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, कहीं भी दिक्कत है तो मेरे से आप लोग पूछेंगे। तो देखो मैं इसको क्या बताना चाहूंगा, ये दो तरीके से हो सकता है बच्चों। एक तो आपका सिंपल सिंपल हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे, और एक है ट्रायंगल की मदद से। तो वो ट्रायंगल चैप्टर अभी आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैं उस मेथड से नहीं कराऊंगा। दूसरा मेथड देखिए, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, टी पी को एक्स मान लीजिए, जैसा कि मैंने मान लिया, और बेटा टी आर, सुनते रहना मेरी बात, मैंने क्या करा, ये लाइन ज्वाइन करी और इस पॉइंट को आर मान लिया बेटा। तो क्या लिखेंगे, देखो सुनते चलो, लेट, अभी समझ में आएगा आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टीपी को एक्स मान लिया और टी आर केवल इतना डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक, इसको मान लिया मैंने वाई, यहां तक टीपी को एक्स मान लिया और टी आर को मान लिया मैंने वाई। अब ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। अगर मैं ट्राइंगल पी आर टी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, ट्राइंगल पी आर टी, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, वाई, क्योंकि देखो हेयर, सुनो पहले पूरी बात, ट्राइंगल पी टी आर इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आपको पता होगा ना बच्चों कि ये जो पी टी आर है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा पी टी आर, क्योंकि देखो ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो डेफिनेटली जो इसका, हम इस दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं ना, कैसे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना, दिस साइड इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो कॉन्ग्रेंसी में हम ये वाले एंगल आपस में इक्वल दिखा देंगे और दोनों का सम क्या होगा, 180। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा बेटा आपका, 90 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये वाली साइड हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो आप खुद देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे, कॉन्ग्रेंट के बाद ये दोनों एंगल इक्वल दिखाएंगे, दोनों का सम 180 होगा, तो एक एंगल 90 हो जाएगा, और साथ के साथ ये वाली साइड इसके इक्वल दिखाएंगे सीपीसीटी से। तब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल पीटीआर, इन ट्राइंगल पी टी आर हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कैसे, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है टी पी आर, एक आपके सामने सबके सामने, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाई पीजीटी से मैंने ये लगा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। उसी तरीके से बात करते हैं ट्राइंगल ओ पी टी। अब इसको फर्स्ट मान लिया, अब देखना आपको समझ में आएगा। इन ट्राइंगल ओपीटी, अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, ओपीटी, क्योंकि देखो ये भी तो राइट एंगल है ना। कैसे, दिस एंगल इज 90 डिग्री, आपको पता होगा थ्योरम। तो यहां भी मैं क्या लगा सकता हूँ बेटा, बेसिकली थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लगाऊंगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये पूरी कितनी है एक्स, ये हाइपोटिनियस होगी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस में कितनी हो जाएगी ये बेटा, देखो ये वाई है,
अब ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी, ये तो आप निकाल सकते हो ना, कैसे, इस ट्राइंगल में पीजीटी लगा दो, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, यहाँ देखो तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर। मैं इसको फिलहाल कुछ और मान लेता हूँ, या हम ओ आर ही लिख देते हैं, ओ आर का स्क्वायर, इसको बराबर मान लेते हैं ओ पी का स्क्वायर, ओ पी की जगह क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 25, है ना। आप देखो ना एक तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है, मुझे ये निकालना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, सॉरी ये 8 नहीं होगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा 8 है तो इतना हिस्सा 4 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ओ आर का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16, तो ओ आर कितना आ जाएगा √9, तो ओ आर कितना आ गया 3 आ गया, नहीं आ गया बेटा, जब ये 3 आ गया तो बेटा अब जब पाइथागोरस लगा रहा हूँ तो एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू द y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से पहले, और जिसको भी समझ में आए वो नोट डाउन करेगा और मैं आपको भी बताऊंगा, है ना, आप क्या बोले ध्यान से देखिएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की वैल्यू निकाल के x में पुट कर देंगे, निकालिए, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ तक देखिए, किसी को समझ में आया नहीं आया वो मेरे से पूछेंगे, है ना। मैं एक बार और रिपीट करके आपको समझा देता हूँ। देखिए आपके पास एक सर्कल था, ये बड़ी एक्सरसाइज इसलिए इसमें टाइम लगता है, नहीं तो कुछ ज्यादा बड़ा थोड़ी एक्सरसाइज। ये एक सर्कल है, ये इसका टेंजेंट है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये टीपी और टेंजेंट कह रहा हूँ कॉर्ड है, और ये दोनों क्या है इसके टेंजेंट है, तो जरा फील करो, ठीक है। इसको मैंने एक्स मान लिया, मुझे यही फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन ज्वाइन कर ली, तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया आर, यहाँ तक की लेंथ मैंने मान ली वाई। जब ये 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, और ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि जब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है दोनों साइड इक्वल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज कॉमन एंड टेंजेंट इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैं सीपीसीटी से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, जब ये पूरी 8 है तो ऊपर वाली 4 हो जाएगी और नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी 4। मैं लिख देता हूँ कि ये भी 4 और ये भी 4, है ना। अब क्या है, मैंने इस ट्राइंगल में पीजीटी लगा दी, तो ये हाइपोटेनियस है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आया था बोले। अब देखो ये पूरा भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस से ज्वाइन हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये क्या होगा इसके हाइपोटेनियस, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर। अब ओ टी किस किस से मिलकर बना है, वाई से। अब ये 3 कैसे आई, वो ये दी, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 होगा, तो ये कितना है 4 का स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर में से 4 स्क्वायर माइनस होके ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। और अब इस ट्राइंगल में हमने क्या लगा दिया, ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, x² + y², ये क्या है पूरी हाइपोटिनियस, कितनी हो जाएगी वाई प्लस 3 का 4 स्क्वायर। देखो जिसको नहीं आया कि पूछेंगे मेरे से, बेफिक्र होके पॉज करके वीडियो को, ठीक है। इतना कर लिया बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो ध्यान से सुन लो, आपने देखा होगा 9th क्लास में, ये अगर ये इसका मीडियन है तो मीडियन डेफिनेटली ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और जब ये साइड इसके इक्वल होगी तो डेफिनेटली आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉर्ड पे से हम सर्कल के सेंटर से लाइन ज्वाइन करते हैं और वो बाइसेक्ट कर रही होती है तो वो क्या होती है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, है ना, परपेंडिकुलर, तो उससे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आप बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, पहले इस ट्रायंगल में बात करी और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में। अब जरा ऊपर वाले को सॉल्व, हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि पहले मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसे सेकंड मान लिया, फ्रॉम सेकंड मैंने फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो जब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे लिखूंगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो क्या बचेगा केवल यहाँ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आराम से, वरना इसको ऐसे समझो, पहले खोल लो इसको, पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब माइनस करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगी एक्स स्क्वायर, बराबर
वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। क्या बच्चा ध्यान से देखना, सिक्स वाई इज इक्वल टू 25, तो ऐसे ही रहेगा ये बच्चों। नाइन माइनस का हो जाएगा, 16 प्लस का हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 25 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से जब हमका, बताइए सॉल्व करके सब बच्चे कमेंट, ठीक है। तो यहां से बेटा जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 32 आ जाएगा, 32 अपॉन 6, है ना। 25 में से 9 का 16, 16 प्लस 16 32 अपॉन 6, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 2 6 32, तो y की वैल्यू आ गई 16/3। अब फर्स्ट वाली में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करूंगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों, 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो x स्क्वायर, अब तो सॉल्व कर लो, 16 का स्क्वायर ठीक है 256, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 9 LCM 256 प्लस 16 9 जा 144, तो x स्क्वायर बराबर आएगा 400/9, तो x आ जाएगा 20/3। चेक कर लीजिए, तो हमें x किसके बराबर था, TP, तो TP की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, 20/3। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बहुत लंबा ले गया ये क्वेश्चन समझाने की वजह से, ठीक है कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा नाउ अपनी एक्सरसाइज 10.1। 3 से 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और कल इसको खत्म करते हैं, चाहे थोड़ी बड़ी क्लास कर लेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं उसके बाद ही कराऊंगा, लगातार कम से कम 4 से 5 दिन आपके सामने। और आप लोगों की बहुत जल्दी, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वीक में अब से या डेली भी कर सकता हूं मैं, जूम क्लास करने वाला हूं आप लोगों की, तैयार रहिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं। तो सुनिए करके रखिएगा सब। नाउ 10.1 तो हो चुकी, सॉरी हम बात कर रहे हैं 10.2। तो देखो 10.2 का पहला क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। देखिए इसके हमें ऑलरेडी फिगर नहीं दे रखी। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24. तो सबसे पहले तो बच्चों क्या बनाइए, एक सर्कल बनाइए और कहीं भी एक पॉइंट मानिए Q, और मैंने मान लिया उससे टेंजेंट जा रहा है, तो इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कहीं भी मान सकता हूँ, आप कहीं भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ मान लिया। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये मान लीजिए O इज द सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम OQ ये कितनी है बेटा, 25, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी 25 सेंटीमीटर। द रेडियस, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की, यानी मींस मैंने x मान लिया, तो आपको इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 7, दूसरा 12, तीसरा 15 और फोर्थ है 24.5। तो बेटा ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, आप सबको पता है दिस एंगल विल बी द 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या होगा भव्य, ये आपका ठीक है 90 डिग्री होगा। अब बेटा अब ये 25 है, ये 24 है, ये x है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, बाय पीजीटी इन दिस ट्रायंगल। सभी ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री होगा ना, तो पीजीटी लगा दी, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, दैट इज 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो 625 बराबर 576 प्लस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। बहुत एक मिनट गलती हुई है कुछ, अरे सॉरी उल्टा कर दिया, 49 बचेगा ना, क्या हम भी है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया प्लस माइनस 7 भी तो हो सकती है, आपने तो बताया था अंडर रूट सॉल्व करके दो वैल्यू आती है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बताया बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप देखो ना ऑप्शन कौन से है, तो ऑप्शन तो ये है ना, तो ये आ गया। और दूसरी चीज, कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती है ना, तो इसलिए हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए। यहाँ हमसे ये थोड़ी बोला है सॉल्यूशन निकाल लो, हमसे तो साइड पूछी है ना, तो साइड तो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर 7 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन खत्म, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी दिक्कत है आप लोग मेरे से बेफिक्र होकर पूछेंगे, है ना। और जिसको भी वीडियोज नहीं मिली है, वीडियोज मेरे को कॉल करके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, इसकी फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है प्यारे बच्चों, दैट इज दिस। ओके तो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन है ट्विस्टेड, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके ये वाले क्वेश्चंस खत्म कर दें, तो सभी मन लगा के पढ़िए अब, है ना। तो दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू,
and this is T. This angle is 110 degree, and हमें क्या फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू. क्वेश्चन में गिवन है कि सब कुछ ही हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एंगल पी टी क्यू. तो देखो बहुत ही सिंपल है, हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा तुम्हें बता देता हूँ, हमेशा पहले तुम्हें यूज करना सिखा रहा हूँ. दिस एंगल इज 90 degree, यस और नो, बाय थ्योरम 10.1. दिस एंगल इज ऑल्सो 90 degree, तो दिस इज 90 degree, दिस इज 90 degree, यस और नो. तो कैसे लिखेंगे, बाय थ्योरम 10.1 OPT is 90 degree, OQT is also 90 degree, and here this will be the quadrilateral. So sum of all the angles of a quadrilateral are 360. So that's why 90 plus 110 plus 90 plus, let this angle be X. X is equal to 360 by angle sum property of a quadrilateral. And yahan se 90 plus 90, 180, 180 plus 100, 280 plus 10, 290, yani X is equal to 360 minus 290, और यहां से x की वैल्यू आ गई 70. और इसी के साथ आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी टेंजेंट पे जो एंगल बनता है और जो सामने सर्कल पे एंगल बनता है, इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा, हमेशा याद रखना. ये तो मैंने करके दिखा दिया है, मगर ये आपको पता भी होना चाहिए. ये अगर मैंने बोला दिस विल बी अ टेंजेंट, ये तो इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है. इसको आप आगे यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है यार ये तो 90 ही होगा ना, ये तो भाई थ्योरम से 90 ही होगा, तो 90 तो ये पक्के है ना. तो जब इन दोनों का ही सम 180 हो गया तो बचे भी तो 180 होगा. तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम दो टेंजेंट इंक्लाइंड है, तो उस वाले एंगल और उसके सामने जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट की मदद से, उन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180. तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है, आप इसको आगे यूज करेंगे फ्यूचर में. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं. और भैया कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इसकी, क्योंकि थोड़ा सा ना इसके क्वेश्चन सब आगे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं. तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप लोग बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी के चक्कर में इंटरनेट यूट्यूब का सहारा बिल्कुल ना लें, वो आपकी आदत भैया खराब हो जाएगी. आपको अच्छा तो लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा आपको, आदत खराब क्या होगी, आप लोगों ने जो समझ में नहीं आया सॉल्यूशन देखा कर डाला. अरे ये भी तो देखो, जब आपने जब बेटा जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो और अगर आप गलत करते हो तो उससे आप ये सीखते हो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होने का है. आप बस यूट्यूब से देखोगे तो आपको सही सही सॉल्यूशन देख लोगे, हाँ हाँ समझ में आ गया ठीक है. अरे जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे, इसलिए मैंने आपको पहले ट्राई करने के लिए दिए, खुद ट्राई करो फिर आप देखो कि आपने गलती करी कहाँ है. अच्छा तो जब आपको पता चला कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा तो अगली बार आप उस मेथड से करने की कोशिश ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड यहाँ गलत लगेगा, क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ, है ना. तो अगला देखिए, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, इफ टेंजेंट्स, कुछ मानते हो ना तो बस कहे पे चल लो, अगर नंबर ना है तो बोल लो, अपनी चलानी है तो बात अलग है, क्योंकि मैं समझा ही सकता हूँ. तो क्या क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री. ये एंगल दोनों, ये ट्रायंगल, ये दो टेंजेंट है दोनों 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दिस इज सेंटर. सो यू हैव टू फाइंड एंगल POE, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है. तो दिस एंगल आपको ये फाइंड करना है, तो ये भी आसान है यार, कर लोगे ना, कैसे करोगे देखो, मेरी बात सुनना, क्या तुम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे, OA बराबर OB होगा, ईच रेडियस, बिल्कुल सही, ठीक है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ईच 90 डिग्री होगा, एंड PA बराबर PB, तो बाय ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड से, मैंने बता भी दिया, कंफ्यूज मत होना, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होगा. और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो क्या मैं ये वाला एंगल, सुनना मेरी बात, दिस एंगल इसके इक्वल दिखा सकता हूँ, अगर मैं इसे एंगल 1 मान लूँ, इसे एंगल 2 मान लूँ, और ये पूरा 80 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखा सकता हूँ ना CPCT से, है ना. तो यहाँ से जब दोनों का सम 180 है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 किसके बराबर आ गए, 40 के बराबर आ गए ना. जब ये पूरा का 80 है, पूरा 80 है ना, तो मैंने दोनों को इक्वल दिखा दिया ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट करके. जब ये 40 हो गया प्यारे बच्चों और ये 90 हो गया, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना. तो 90 प्लस 40, इस एंगल को x मान लिया, तो दैट इज 180, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
50. सो दिस एंगल इज 50 डिग्री. ओके, आपका चॉइस है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा 80 है तो अभी बताया ये पूरा का पूरा कितना होगा, 100, क्योंकि दोनों का सम 180 है, और जब ये 100 है तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके हम इक्वल दिखा सकते हैं दोनों एंगल, और ये 50 का हो जाएगा. फिर आपका तरीका है. तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे, बेफिक्र होके आगे हम पढ़ेंगे अब. ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू. होमवर्क सब करेंगे आज का, होमवर्क सुन लो अभी बता देता हूँ. आप जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उसे ही ट्राई करना है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उसे ही ट्राई करना है, और नहीं होता है छोड़ देना है. मगर मैंने अभी आपको समझाया है, जब आप गलत करते हो तो तरीका सीखते हो. तो आपको कल क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4-2, होमवर्क सुन लो, क्वेश्चन नंबर 4-2, क्वेश्चन नंबर 8, और जिन्होंने 1-2-3 नहीं करा उनको क्वेश्चन नंबर 1-3 भी करना है, दोबारे से सेंड करेंगे मुझे, जिन्होंने ये नहीं कराया अभी तक, जिनको डाउट्स थे. ठीक है, और साथ के साथ इसमें एड एग्जाम्पल 3. अब होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सीरियस हो जाओ. बस जिन्होंने नहीं कराया 1-2-3 उनको ये करना है, और जिन्होंने कर लिया है वो 4-8, और ये तो करना ही है सबको 4-8, तो जिन्होंने ये नहीं कर रहा है उनको भी करना है. तो भैया काम जैसे जैसे मिस करोगे बढ़ता जाएगा, और कभी भी कॉपी मांग लूंगा, और जिस दिन कॉपी नहीं तो जिस शाम आ जाएगी तुम सबकी, देख लेना. ठीक है, तो इतना काम करिए, कोई दिक्कत है पूछिए मेरे से बेफिक्र होके, और आज के लिए इतना, थैंक यू. बस ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगा के. थैंक यू क्लास.